नमस्ते किचन क्वीन, ये मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्लावर चिली और इसका मसाला भी हमने घर पे ही बनाया है। इससे पहले मैंने जो रेसिपी डाली थी आप चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। हमने ली है 2 कप फ्लावर, जिसे हमने अच्छी इस तरह बड़ी बड़ी कट कर ली है। उसके बाद 2 टेबल स्पून दही, 3 टेबल स्पून लॉलीपॉप का मसाला जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक स्वादानुसार। हमने यहाँ लिया है 1 टीस्पून राई का तेल, अगर आपके पास राई का तेल ना हो तो आप खाने वाला तेल भी यूज़ कर सकते हो। 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून लाल मिर्च। बर्तन में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें जो फ्लावर हमने कट की थी वो डालेंगे और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे एक बॉईल आने देंगे और गैस बंद कर देंगे। यहाँ पानी को बॉईल आ चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे और उसे निकाल लेंगे। यहाँ हमें एक बाउल लेना है, सबसे पहले हम उसमें ऐड करेंगे दही, उसी में हम ऐड करेंगे लॉलीपॉप का मसाला और इसे अच्छे से पहले मिला लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, एक बार फिर इसे मिला लेते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे फ्लावर जो हमने बॉईल करके रखी है और इसे अच्छे से मिलाते हुए इसे कोट करना है। अब इसे हमें ढककर 10 मिनट रखना है, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। इसे मैरिनेट करें हमें 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे फ्राई करते हैं। हमने यह गैस पे पहले ही कढ़ाई रख दी थी और तेल हमारा अब अच्छे से गर्म हो चुका है। फ्लेम हम मीडियम कर लेते हैं और जो हमारी फ्लावर की चिली है वो एक एक करके इसमें डालते जाएंगे और उसे अच्छा गोल्डन हम फ्राई करेंगे ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। हमें ये मीडियम गैस पे करना है तो एक टाइम में जितनी इसमें चिली भेजती है उतना हम तेल में डालेंगे। अब एक बार इसे नीचे ऊपर कर लेते हैं और इसे हम थोड़ी देर होने देते हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, आप देख सकते हो इसका कितना प्यारा कलर आया है और उतनी ही ये क्रिस्पी बनी है। तो इस तरह मैं सारी चिली बना लूंगी। इस तरह हमारी ड्राई फ्लावर चिली बनके रेडी हो चुकी है। आप इसे सॉस के साथ या ऐसे भी खा सकते हो, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी तो उन्हें बना के ज़रूर देना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।